जो कुछ आप लोगों को बताएंगे व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, आप ये कितने सारे प्रोडक्ट हैं, और फिर बाद में मैं भी आऊंगा। मैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे वो कामयाब होते हैं, इसमें तो डॉक्टर लोग कामयाब होंगे, मैंने ऐसा आता रहा होगा। इसमें तो जो दौड़ने वाले धावक हैं, युवा हैं, वही कामयाब होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे, मन में ऐसा विचार आता होगा कि इसमें तो डॉक्टर लोग ज्यादा कामयाब होते हैं, उनकी दवा लिखते हैं। परंतु मेरे विचार में शायद ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे ही विचार से मिलता जुलता न तो उम्र की सीमा, न शिक्षा का कोई सीमा, कोई स्तर, और न तो महिला और पुरुष, बूढ़ा बुजुर्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह का जैसा मेरा विचार है, मैं जैसे अंतर नहीं देखता हूं, नहीं पाता हूं, मेरे ही विचार से मेल खाता है जिनका विचार। मैं अब उनको आमंत्रित करता हूं, वो आकर के बताएंगे। 72 वर्ष के नौजवान हैं वो, अपने हिसाब से पूरे सुबह से लेकर शाम तक एक युवा जितना काम करता होगा शायद उससे ज्यादा काम वो करते हैं। डांट का भी करते हैं, कभी अपने एसोसिएट की गलती पर तमाचा भी जड़ देते हैं, नहीं दाढ़ी वाले लोगों पर ज्यादा जड़ता खूब जचता है इनका। और बखूबी पेशे से सीईओ थे, सीईओ होकर रिटायर किए, सीईओ होके रिटायर किए। एक पुत्र इनका आईएएस है दिल्ली में, एक बेटी सीडीपीओ है पटना में पोस्टेड है, एक पेट्रोल पंप अपना इनका है सीहोर में, जहां छोटा बेटा इनका वो काम कर रहा है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन चूंकि आईएमसी एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जिसको लेकर इनके मन में एक बात आती है कि मैं तो पैसा वाला हूं, मैं रिटायर कर गया, मुझे पेंशन भी आ रहा, मेरा पेट्रोल पंप है वहां से भी इनकम आ रहा, मेरी बेटी सीडीपीओ, मेरा एक बेटा एमबीए करके उसको पेट्रोल पंप का मालिक में बना दिया, मेरा एक बेटा आईएएस है रेलवे में, रेल मंत्रालय में, सब कुछ ठीक है। परंतु मैंने समाज को दिया क्या? समाज को देने के लिए जिस उम्र में मैं जॉब में था उस समय मैं सीईओ था, उस समय मेरे देने के लिए था नहीं, मेरे कलम में जॉब देने की ताकत नहीं थी। लेकिन अवकाश प्राप्त करने के बाद मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अब लोगों को जॉब दे सकता हूं, युवाओं को जॉब दे सकता हूं, और महिलाओं को, बच्चों को, पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको, जो नहीं है उनको, सबको रोजगार का अवसर मैं दे सकता हूं। इसी भाव से उस बिजनेस को, इस आईएमसी बिजनेस को वो कर रहे हैं, बड़े दिल से कर रहे हैं। ऐसे ही दिल वाले को मैं बुलाता हूँ जो 72 वर्ष के नौजवान हैं, श्री लक्ष्मीकांत झाजी, आपका स्वागत और अभिनंदन। आप आए और अपने अपनी बात रखें, हम लोगों के बीच सुनेंगे। गुड आई, गुड आई से आप जो इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, हम तमाम लोगों का, तमाम एसोसिएट का, तमाम लीडर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे मैं पूर्व में भी बहुत बातों की वो मैं दबा की वो कम बात करता हूँ, मैं लीडरशिप की बात करता हूँ। और माननीय डॉक्टर साहब से पूर्व में भी हम लोग पार्टी में साथ थे, इन्हें किस्म की प्रेरणा मिलती थी, हम लोग बैठते थे उसी क्रम में एक बैठ की मेरी हुई, मुझे इन्होंने बहुत ही साफ साफ शब्दों में बताने का प्रयास किया कि आप जिस विचारधारा से लैस हैं उस विचारधारा के लिए यह कार्य बहुत ही अच्छा है, मैं अनुभव भी कर रहा हूं। और आपको जान के खुशी होगी कि हम तमाम लोग जो काम करते हैं आईएमसी में, उनका पहला लक्ष्य होना चाहिए समाज सेवा, और इस माध्यम से हम समाज सेवा यदि करते हैं तो अर्थ तो मिलता ही, आप नहीं चाहते भी अर्थ नहीं लेंगे ऐसा नहीं हो सकता।
वह स्वाभाविक रूप से आपको मिल जाएगा जैसी आईएमसी की व्यवस्था है। बची बात कि आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं, ये जो रोजगार है इस रोजगार में कहीं कोई रिस्ट्रक्शन नहीं है। बूढ़े हों, बच्चे हों, काबिल हों, बेकूफ हों, अमीर हों, गरीब हों, तमाम लोग इस रोजगार को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए तो निश्चित रूप से उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और इस दवा का, इस सामान का, ये सारे सामान रखे हुए हैं, ये संबंधी सामान है, फेसियल सामान है, ये मवेशी का सामान है, ये और घर का गृह में जो हम व्यवहार करते हैं। और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम तो किसी दुकान से खाते हैं, बहुत स्पष्ट बात है कि खाली दुकान बदलने की आवश्यकता है। और आप दुकान यदि बदल देते हैं आपको दो तरह की फायदा होती है। आप यदि जहाँ से अभी सामान लेते हैं या एलोपैथी मेडिसिन की बात कीजिए, मेडिसिन की तरफ भी आइए, आप जाइए एमआरपी पर आपको मेडिसिन मिलेगा। और कौन मेडिसिन, जो मेडिसिन 30 या 40 रुपया में बनती है वो आपको 100 रुपया मिलेगा, क्योंकि उसकी जो कड़ी है वो कमीशन वहां से ही शुरू होता है, स्विच ऑफ कर दीजिए, वो कमीशन वहां से ही शुरू होता है। लेकिन हमारे आईएमसी जहां बनती है, आप तमाम लोग जानते हैं कि जो भी प्रमाण है सब WHO द्वारा प्रमाणित है, इसमें कहीं कोई मिलावट की संभावना नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि जो हम एसोसिएट हैं उनको समझिए कि नगद के रूप में 20% मिल जाता है, फिर आपको हरेक सामान पर कुछ न कुछ भी मिलता है जो आमदनी का स्रोत हो सकता है। लंबे समय तक चलने के बाद यदि आप बिजनेस नहीं भी करना चाहते हैं फिर भी कंपनी आपको कुछ देती है, कुछ देती नहीं है। बिजनेस यदि करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि अमीर बनने के लिए दो ही साधन है अभी के जमाने में, एक या तो नौकरी है या दूसरा बिजनेस है। आप इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि नौकरी करने के लिए आपके माता पिता को क्या कठिनाई भोगना पड़ता है। फिर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, आपको कुछ खेला भी करना पड़ता है, तब आपकी नौकरी मिलती है। नौकरी मिलने के बावजूद भी क्या होता है, आपका आमदनी बहुत सीमित है, आप उस दायरे में रहना होगा। आपके बहुत सारे मालिक हैं लेकिन आईएमपी में कोई सीमा नहीं है, आपके अर्निंग का कोई सीमा नहीं है, कोई मालिक नहीं है। जिसके उदाहरण हमारे माननीय डॉक्टर साहब, इनसे बहुत बड़े लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन सहरसा जिला का यह गौरव है, हम लोग उनको गौरवान्वित होना चाहिए, हम उनके साथ काम कर रहे हैं जो इस सहरसा जिला का पहला प्रेसिडेंट है, हम लोगों को उनका अनुकरण करना चाहिए। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, इनको एक पैर भी नहीं है, भगवान ने हमको आपको पैर भी दुख दिया, लेकिन लगन है, रुचि है, सिर्फ कमाने की रुचि नहीं है। हमने तो देखा, हम प्राय सप्ताह में एक दिन दो दिन जरूर डॉक्टर साहब के यहाँ बैठते हैं, और बैठते हैं हम सिर्फ अपने काम से बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उपकार कर देते हैं, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि मेरे जितने एसोसिएट्स हैं उनका हिसाब किताब में प्रतिमा देता हूँ और निकलवाता हूँ। कष्ट होता है उनको, निश्चित रूप से परेशानी होती है, समय देना पड़ता है, लेकिन जब मैं बैठा रहता हूँ व्यवस्था इनकी हो जाती है कि हमको सारा व्यवस्था दें, और जब वो देते हैं तो हम अपने सारे एसोसिएट्स को निश्चित रूप से महीना में एक बार मैं चाहता हूँ उनका हिसाब किताब उसको समझाऊँ और उनकी प्रगति की ओर जाने का उनको रास्ता बताऊँ। परिणाम यह होता है कि निश्चित रूप से हमारे जो एसोसिएट्स हैं, आप जानते हैं कि हम लोगों का बिजनेस वैल्यू 10% से शुरू होता है,
और मैं अप्रैल महीना से काम करना शुरू किया और आज सितंबर तक की बात कीजिए कि मैं 35% पर पहुंच गया। नहीं, मेरा प्रयास किया। इसमें जब प्लानिंग पढ़ेंगे आप तो बहुत ही स्पष्ट उसमें दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है, आप आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं और कितना दूर जाना चाहते हैं। बहुत अपने आप पर यह हुआ, दिल्ली के कार्यक्रम में मैं भी भाग लेने गया था, जब वो एक साधारण सा लड़का, वो लड़का जो एक ट्यूशन पढ़ाता था, वो पहला चेयरमैन जब मेरे को घोषित किया और बताया मंच पर, तो निश्चित रूप से लोगों को के दिल में यह बात आई होगी। और उनकी आमदनी जब उन्होंने बताया कि मेरा आमदनी लगभग 25 लाख रुपया पर मंथ है, वो करोड़ों के गाड़ी पर चढ़ते हैं, आप सोच सकते हैं यह कैसा बिजनेस है, उसकी कैसा बिजनेस है, क्या काम को करता है, क्या किया, बंदूक मारा, गोली मारा, नहीं। आप कितना समय देंगे, आपको चाहिए समय की प्रतिबद्धता। निश्चित रूप से एक बात की ओर आओ, आप लोगों को हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब हम यहाँ लीडर्स की बैठक करते हैं, हमारे माननीय डॉक्टर साहब जब यहाँ लीडर्स की बैठक करते हैं, हम लीडर यदि समय का नहीं पालन करेंगे तो क्या हमकी यह संभावना हो सकती है कि हम अपने अधीन अपने लीडरों को हमें की प्रतिबद्धता बता सकते हैं। इसीलिए मेरा एक अनुरोध होगा, आगे से जो कार्यक्रम हो, जो समय निर्धारित हो, हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए कि 15-20 मिनट पहले हम लोग जरूर आवे, जो समय मेरा निर्धारित है। क्योंकि होता यह है कि समय, जैसे आज मान लीजिए हम लोग जो कमरूप हैं, बोलने वाले कहने वाले, इसके पहले 6 लीडर थे, आप आते हैं सीखने के, आपकी मानसिकता सीखने की होनी चाहिए। जब आप सीखेंगे तब दूसरों को सिखाएंगे। ये कब होगा कि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे, शुरू से अंत तक की बातों को सुनेंगे। यहाँ ये सारे क्यों सामान रखा हुआ है, यहाँ प्रयोग करके बताया जाता है इसकी इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या फायदा है, उसमें क्या फायदा है। तो यह बात तो अपने समाज में अपने लोगों के बीच आपको बांटना होगा। हमारे साथी बताए कि निश्चित रूप से हमारे किताब में लिखा हुआ है कि हम जो भी एसोसिएट्स हैं उनका पहला दायित्व बनता है कि प्रतिदिन अपने समाज के बीच 3 परिवार में जाए, चाहे वो एसोसिएट हो चाहे नहीं हो, रजिस्ट्रेशन ले चाहे नहीं ले, सामान ले चाहे नहीं ले, मैं अपने हमको अपने बातों को कहना है ताकि कि हम क्या कर रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या फायदा होगा। इन तमाम बातों को हम जो एसोसिएट हैं, हम जो लीडर्स हैं, हम जो लीडर्स हैं उनका पहला है। दूसरी बात मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आप वो आपको यह मन बनाना होगा कि मुझे लीडर बनना है। लीडरशिप यदि आपकी होगी आपकी प्रतिष्ठा वहीं से बढ़ जाएगी, आपको पैसा तो मिलता ही है, आप गांव में, आप अपने समाज में, आप अपने पंचायत में यदि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उसका भी फायदा आज निकल आपको मिल जाएगा। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप तमाम जो यहाँ लीडर्स आए हैं कि आप इसका अनुकरण करें। निश्चित रूप से आप देखेंगे इसका प्रतिफल कितना अच्छा होता है। इसी बात में कहना चाहूंगा कि हम लोग समय नहीं बचा पाते हैं। निश्चित रूप से हमारे कुछ एसोसिएट्स हैं जो कह देते हैं आपको कोई बाल बच्चा का इंतजाम करना है, आपको कोई पैसा की कमी है, आपको कोई व्यवस्था करना है, हम लोगों को भाई पास दो बाल बच्चा है, एक मार्ग हो सकता है। निश्चित रूप से आपको करें, आप पहले काम को करें। हमारे साथियों ने स्पष्ट बताया आप यह मन बना लें कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा काम करूंगा, आपका समय निकल जाएगा,
मैं कहता हूं कि नहीं हुआ। सामने सामने कोई बाल बच्चा गंदे के खेल में नहीं रहता है, सबका इनाम हो जाता है। शाम को आप निकले और शाम को अपने काम को करें, क्योंकि गांव में जाना है, घर में जाना है। अरे गांव तो अपना घर ही है, घर में जाना है। आप निश्चित रूप से आपकी जो उपलब्धि होगी उनको होगी, लेकिन गांव को और समाज को जो उपलब्धि होगी निश्चित रूप से आप जस के भी भागी होंगे। और हमारे आईएमसी का बहुत प्रचार प्रसार होगा। हम लोगों का शुद्ध नियत है कि हम लोग इस बात को प्रमाणित कर दें, यह जो आप एलोकेंस में जाते हैं, आप समझाइए, आप देखिए कि आप एलोकेंस के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर साहब भी एमबीबीएस हैं, एलोकेंस का भी इलाज करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनका एक अलग स्वभाव है, वो अलग बात है, लेकिन जनरल डॉक्टर की बात मैं कहता हूँ कि आप जब जाते हैं आपका सर्वप्रथम तो आपका शोषण वहां से शुरू हो जाता है कि आपको हजार 1500 से 13 लाख पड़ जाएंगे। गरीब आदमी है, मैं नाम नहीं कहूंगा, यहाँ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो पूछते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रमाणित करूंगा इस बात को, क्या जमीन बेच के आए हो, पैसा लेके आए हो। लेकिन हमारा आईएमसी शो नहीं करता है, हमारा आईएमसी कहता है कि जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं। आप कोई 1200 से 1500 का दबा देंगे, यहाँ कोई कोर्स भी लंबा चौड़ा नहीं है। यदि इलाज ही कराना चाहते हैं तो आप आइए आईएमसी में, आप दवा लीजिए, आप इलाज कराइए। मैं तो कहता हूँ सब कि भाई एक महीने में आप दवा खा लीजिए, बीमार है आप, एक महीने नहीं बीमार है तो हमारा एलोवेरा और तुलसी खा के देखिए। मैं तो सभी लोगों को कहा, हमारे जो भी लोग हैं, कि तुम कोई कर्म मत करो यार, सभी घर में तुमको तुलसी पहुंचा दो, वो तुम्हारे यहाँ उपस्थित महाशय होंगे आज हो चाहे 3 दिन के बाद। तो आपका काम यह है कि हम अपने आईएमसी के संबंध में कितने अधिक से अधिक लोगों को हम समझा सकें और यह समझा सकें कि आप जो एलोपैथ में जाते हो भाई, आप क्यों फंसते हो, आप आओ मेरे यहाँ, आप रजिस्ट्रेशन लो, रजिस्ट्रेशन लेकर के जब तक सुविधा तुमको प्राप्त होगा। वैसे तो हमारे डॉक्टर साहब और भी एक फोन कॉल करते हैं, जो रजिस्टर्ड लोग आते हैं उनको फीस भी नहीं लेते हैं, इसके अधिक खुशी की बात क्या हो, फीस तुमको मिलनी चाहिए क्लिनिक में। वैसे मैं बार बार कहता हूँ अपने क्षेत्रों कि नहीं भाई, एक तो और वो करते हैं कि हम लोग यहाँ कैंप भी कर देंगे, कैंप में जो रजिस्टर्ड लोग नहीं है उनको 20% छूट कर देते हैं। क्या मदद किया जाए, मदद की यदि भावना है उसको सम्मान मिलना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर एक प्रभाव होना चाहिए, उस पर एक सोच होना चाहिए, मेरा ये कहना। इसीलिए बंद हो आप जो भी लोग हैं, जो भी एसोसिएट हैं, जो भी लीडर हैं, उनसे मेरा सादर अनुरोध है, इस बिजनेस को करने के लिए आप इसको बिजनेस कम समझिए, इसको यह समझिए कि मैं लोगों की मदद में घूम रहा हूँ, मदद में जा रहा हूँ। आप देखिए आज 3 दिन से यहाँ मीटिंग चल रही, मैं रात में भी विवाह भवन में सोया हूँ। मेरा एक कैरेक्टर है, मीटिंग जो प्रारंभ होती है आप यहाँ भी देखते होंगे, मीटिंग समाप्त के बाद ही और सबको यह चाहिए। रात में 10 बजे मीटिंग समाप्त हुई, हम लोग पार्टी की मीटिंग थी जो सभी विधानसभा में चलाया जाएगा, तिथि निर्धारित है, आप उनसे मिल सकते हैं। तिथि निर्धारित है तो सहरसा विधानसभा का ट्रेनिंग था जो बहुत दिनों से बंद था, पार्टी क्या हमको सहरसा जिला से क्या लेना, हम सहरसा विधानसभा के लोग, लेकिन मुझे सीखने और समझने की मेरी मानसिकता है। निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि जब मैं मंडल अध्यक्ष भी था, मुझे जब सौभाग्य मिलता था जिस विधानसभा में कोई भी कार्यक्रम होता था मुझे मुंह क्यों, इसलिए सारे लोग जानते हैं, सारे लोग समझते हैं,
संगठन इतनी सारी काम करते हैं, अपनी हित की कोई बात नहीं करते हैं, आज तक यहाँ से स्टेट तक कोई कर नहीं सकता है। आपका आपका नियत होना चाहिए कि यह जो हमारा आईएमसी है, मैं आईएमसी का हूँ और आप निश्चित रूप से 2 घंटा यदि समय प्रतिदिन निकालते हैं या सप्ताह में फुल टाइम 2 दिन निकालते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने मकाम पर पहुंचेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप तमाम बंधु इसको नजरअंदाज नहीं करके इस पर जो है अपना काल रखते हुए अपना समय लगा दें, क्योंकि यहाँ है समय और पैसा, जितना समय उतना पैसा। ऐसा कहीं नहीं है, चाहे नौकरी हो कोई दूसरा रोजगार हो, वो एक सिर्फ आईएमसी। आप इससे पहले भी आपको कहा गया था कि यह जो दुकान है यह बंद वाली दुकान नहीं है, यह खुली दुकान है। आप जब कोई रोजगार करते हैं निश्चित रूप से आप देवघर चले गए, निश्चित रूप से आपको पटना जाना होगा, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। यहां मैं तो दिल्ली में था, 5 दिन हम लोग दिल्ली में रहे, कहां दुकान बंद हुआ, हमारे सारे लोग काम कर रहे थे। निश्चित रूप से उतना ही नहीं, पिछले महीने की बात है, 8-9-10 कार्यक्रम था, चिंतित मैं था जरूर कि भाई मैं नहीं हूं, मेरे लोग क्या करते होंगे नहीं करते होंगे। निश्चित रूप से जब आए और 30 तारीख को हमारे डॉक्टर साहब हमसे बोले कि आप कहाँ हैं, आप हो गए, आप मान के चलिए, फिर भी जब हमको कंप्यूटर पर दिखा दिए तब हम मुझे संतुष्टि हुआ कि मेरे लोगों ने काम किया है, मेरे नहीं रहने के बावजूद भी मेरे मुताबिक चला है, मेरे सोच के साथ चला है, और क्या उसके क्या उसका क्या परिणाम हुआ। मेरे साथ एक मेरे और सहयोगी हैं अमरजीत जी, वो चले गए हमारे बगल में। अब हमारे बाद हमारे यूनिट में अगला स्टेज उन्हीं का है, ये तो होगा। मैं अपने तमाम बंधुओं से ये कहना चाहूंगा, यहां सब अपने लिए करता है, कोई किसी के लिए नहीं करता है। यदि यह नियत है, यह सोच है तो गलत सोच है। आप करेंगे आप पाएंगे, हम करेंगे हम पाएंगे। निश्चित रूप से इस कंपनी की एक व्यवस्था बनी हुई है कि नहीं सब करेंगे सब पाएंगे, यानी इस कंपनी की विशेषता है, जितना करेंगे उतना पाएंगे। आप दिल्ली में 3 दिन का वह कार्यक्रम हुआ था जिसमें 1 दिन लीडर्स बैठक हुई थी, जब वहां हम लोगों ने सुना और देखा तो अपना अंदाजा आ गया कि हम कहां हैं, हम फुल फ्लेजेड होते हुए भी हम कहां हैं। निराश हम नहीं होते हैं, निराशा की मेरी बीमारी भी नहीं है, लेकिन यह सोचने के लिए बात होना पड़ा कि आज आप देखिए कि वहां कई करोड़पति जुटे हुए थे इस माध्यम से, और सभी मंच पर आए, सब लोगों ने अपनी बीती बात को बताया। यहाँ ही एक लेडीज आई थी, सुमित्रा जी आई थी हम लोगों के जिला में कार्यक्रम में, वो दिल्ली की है, बिल्कुल हाउस वाइफ थी, कोई ऐसी भी बात नहीं थी कि बहुत पढ़ी लिखी थी। उनके उनके पति एक कंपनी में काम करते थे, जब रोजगार में वो आई तो निश्चित कुछ हिंड्रेंस पैदा हुआ, और वो औरत ये परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि वो रिजाइन कर देना पड़ा उनके पति को, और पति उनके साथ घूमना पड़ा। परिणाम क्या हुआ कि 2 साल के अंदर या 2.5 साल के अंदर वो अपने मुंह से यहां बोली थी कि मैं अभी 2.5 लाख रुपया मुझे मिलता है, मिलता ही होगा जब हमारे माननीय डॉक्टर साहब को लगभग उतना मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उनको ही मिलता होगा, पहले हो गए हैं चेयरमैन तो निश्चित रूप से। तो ये काम आपको इस दिल दिमाग से करना होगा कि मुझे मुझे अपने मंदिर पर पहुंचना है,
रेड फाइव लगेगा, रेड फाइव लगेगा। तो हमको अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको एम बनाना होगा, आपको यह सोचना होगा, प्लानिंग करनी होगी। और आप जब प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मुकाम पर पहुंचेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन बाबू समय तो चाहिए, आप समय देंगे आपकी उपलब्धि होगी। और यदि हमारे कंपनी का तो यह कहना है, बायलॉज कहता है कि 3 साल में हम करोड़पति हो सकते हैं, लोगों ने होके दिखाया है। अभी हम लोग बैठे हुए थे एक दिन से, डॉक्टर साहब हम सब सहरसा आते हैं प्राय का घंटा, तो एक न्यूज आया कि 1 करोड़ की गाड़ी ली जा रही है। हम लोग हंस रहे थे, दोनों आदमी इस पर हंस रहे थे। हमने डॉक्टर साहब को कहा कि भाई हमसे तो अब नहीं होगा, हमारा ने उम्रों ही नहीं है, आप तो कम से कम 1 करोड़ की गाड़ी का इंतजाम कीजिए, हम लोग चढ़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं यह बिजनेस कैसा है कि वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी गई, ये नहीं भाषण नहीं था। तो हमको आपको यह तय करना होगा कि नहीं करोड़पति, अच्छा लाखपति तो आप साल भर में हो सकते हैं, मैं ही होने जा रहा हूं 6 महीना में, जो हुआ 6 महीना में अभी अभी तक 25-30 हजार रुपया हमको कमीशन मिल ही गया, 1 लाख के साल में हो जाएगा। तो आप यदि योजना पर ढंग से काम करेंगे, यह नियत हरदम रहनी चाहिए। वैसे हमारा मैनुअल कहता है कि जो सबॉर्डिनेट हैं उनको अपने परिये से बर्बक संपर्क करना चाहिए। यदि संपर्क आप रखेंगे तो आप फायदे में जाएंगे। वैसे मैं तो विपरीत दिशा में चलता हूं, मैं मेरे जो लोग हैं 3 दिन पर मैं फोन पर तो उसको तबाह कर ही देता हूँ, और उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब बोले कि लपड़ ढपड़ भी चला देते हैं। तो हम तो उम्र के लिहाज से हमको लोग गार्जियन समझता है, मैं कोनो INC में काम करता हूँ, उस लिहाज से नहीं, प्रेम से। तो इसलिए आप यदि समय देंगे, आप यदि इस गेम को बना लेंगे कि हमको वहाँ पहुँचना है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, फिर प्लानिंग करना होगा। आप यदि अपने प्लान से चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आपके जो बड़े एसोसिएट्स हैं, आपके जो लीडर हैं, उनके साथ बैठ करके आपको प्लान करना होगा और उस अनुसार काम करना होगा। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं कि आपका प्लानिंग यदि सही होगा, आप प्रत्येक महीना एक स्टेज को क्रॉस कर सकते हैं, जैसा मैंने किया, मैं प्लानिंग से किया। ऐसी बात नहीं है कि मैं यह तय कर लिया इस महीना में 10% तो अगला महीना में 20%, तीसरा महीना में 25%, चौथा महीना में 30% और पांचवा महीना में 35%। एम करना पड़ा, बनाना पड़ा, प्रोग्राम बनाना पड़ा, इस तरह की व्यवस्था बननी पड़ी। तो आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, जितने लोग हैं सब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो बहुत ही स्पष्ट बात है, न बच्चे का सवाल है, न बूढ़े का सवाल है, न गरीब का सवाल है, न अमीर का सवाल है, न बहुत पढ़े लिखे का सवाल है, न मूर्ख का सवाल है, काम करने का सवाल है। आप जितना काम करेंगे उतना आप पाएंगे, आपको कोई मंदिर तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। और ठीक हमारी कंपनी जो कहती है कि 3 साल में आप करोड़पति हो सकते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित रूप से हमारे जो युवा बंधु हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि आप को ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी, आप ऐसी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं लाख प्रयास के बावजूद भी। आप देखिए, हमारे डॉक्टर साहब बोले कि आज इनके लड़के IAS हैं। निश्चित रूप से वो तीसरा टाइम में जो है, पहले तो था ही वीडियो, 97 बैठने यूपीएससी किया था और 97 बैठने यूपीएससी किया, और तीनों बार उसने कंप्लीट किया। लेकिन वहां एक भयभाव जो भारी समस्या है, उस पर से रिजर्वेशन ऐसा संजोग था उस बार मात्र
सीट भी 1,111 था, कसमकस हो गई। जिस दिन रिजल्ट निकला था हमने हम लोग टीवी पर देखा, नेक्स्ट डे एम्स में आके अपना मेडिकल कराना था। मैं उनके कलेक्टर साहब को फोन किया कि आप भी तो दान ही गए होंगे, क्योंकि उससे पहले बैच में 94-95% मार्क ला के भी जब यह भाईभाव नहीं हुआ तो उनके कलेक्टर बहुत दुखी हुए थे। और हमसे उनकी बात हुई थी कि नहीं, आपका यह लड़का यूपीएससी करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जब वह जा रहा था यूपीएससी करके ज्वाइन करने के लिए, वो जाना नहीं चाहता था, तो हमने उसको सलाह दिया था कि निश्चित रूप से तुम यूपीएससी करोगे, बीपीएससी यदि कर गए हो फिर घूस नहीं लेना, घूस लोगे डायवर्सन हो जाएगा। और उसका उदाहरण भी मुझे मिला। मैं उस समय रांची में सीओ था, उनके एडीएम साहब एक दिन हमको फोन करते हैं, क्या सीओ साहब, क्या इलाका बच्चा को मनोज कुमार को आप क्या सिखा पढ़ा दिए हैं, अभी खाने पीने वाला समय था। वहां व्यवस्था थी इनका फर्स्ट, वैसे तो कलेक्टर साहब हम बहुत आग्रह किए कि आप जान रहे हैं यूपीएससी का ख्वाब देख रहा है, इनको प्रखंड का चार्ज नहीं दिया जाए, लेकिन रोटेशन में जाना पड़ा। फर्स्ट टाइम था उसका, तो वहां था कि वो जो बैठक होती है कर्मचारी सब कहेंगी, वो सब जो बैठक होती है उस बैठक में बैठक वीडियो के यहाँ हुआ वह हुआ और वो थैला रख के चला जाएगा कि बेचारा को क्या जन्म था या इससे क्या मतलब था। ये अपने नाजिर को बुलाए, जब मीटिंग समाप्त हो गई, भाई किसी का ये थैला टूट गया है, तो नाजिर चला गया, कुछ नहीं बोला। फिर जब बुलाए तो एक्सपोज हुआ, ये सुनने जैसा कि हमको एडीएम साहब बात कहे फोन पर, ये भाई 6 गिलास पानी पीना पड़ा मनोज कुमार को। हम हंसने लगे, क्यों भाई 6 गिलास पानी क्यों? तो बात यह उठी कि पिताजी ने हमको ऐसा कहा था कि घूस नहीं लेना है, इसलिए मैं घूस नहीं लेना। और फायदा क्या हुआ, उतना जूनियर होती हुई उसी महीने कलेक्टर साहब एस डी ओ का प्रभार लेकर के अपने डेरा के सामने डेरा दिए, साथ साथ बैडमिंटन खेलते थे। मेरा अभिप्राय यह है कि आपको लगन होनी चाहिए वहां पहुंचने। आप देखिए, हमको बहुत खुशी होती है इस सब बात में कि सबसे अभी अपने बिहार सरकार ने सी डी पी ओ का पद रख दिया, क्योंकि मैं अध्यक्ष भी 6 साल रहा, सभी पदाधिकारी से भी मेरा संपर्क है। वैसे ये बात तय है कि मैं खाली फोन से ही पदाधिकारी को जब भी कुछ कहा, मैं ब्लॉक ब्लॉक यह सब रोजगार को भी नहीं, लेकिन सबसे यदि फर्स्ट पद हमको मिला तो वो सी डी पी ओ का। ये कैसे बच सकती है, हमको इस पर काफी आशंका थी। उस समय पीपरा में पदस्थापित की गई, हमारा एक विजय पत्रकार है, हमको कभी कभी कुछ मन हो जाता है अपने संतुष्टि के लिए, हमने कहा रहे विजय तैयार हो चल वहां करी पीपड़ा, कहा गिरीश भंकर जवाब, हमने तुम चलो कल्याण करते हैं, फिर तैयार होके आया और मैं चल दिया। जब मैं वहां गया तो उनके बड़ा बाबू और चपरासी बैठे हुए थे, 11 बज रहा था करीब करीब, तो हम अपना परिचय अध्यक्ष के नाते दिए कि हम बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हमको तो वहां जाना नहीं था कि हम इसके पिताजी हैं। फिर वो अपना जो आगत स्वागत किया और हम बड़ा स्ट्रेटली बोले, सुनते हैं ये सीडी पे बहुत ही भ्रष्ट है, ये सुनने में आ रही है। और खुशी हुई इस बात की कि जब हम वो बड़ा बाबू और चपरासी बोले कि किसी की चाय भी नहीं पी, इसका उदाहरण मैं बाहर आया, मैं पहुंच और वो कहां है तो फील्ड में है,
लोग झूठ बोलता है, ये मैं जानता हूँ। हमने फोन किया कि कहाँ हो, घर का नाम तुनु है, तुनु कहाँ हो, फिर तुम्हारे छे कहाँ कत छे, हमको तो अब बहाना जाना था, टिकरा तो आना नहीं था, हम कहीं बीरपुर जा रहे हैं, सोचे तुमसे भेंट कर ले, लेकिन तुम शाम में खाना बना के रखना, लौट के आ जाएगा राघोपुर आएगी जिंदा के तीन घंटा सोए तो गए बीरपुर। दूसरा उदाहरण उसको वीडियो तत्काल दे दिया, अनशर्वन कुमार कलेक्टर थे, हमको निश्चित रूप से 9-10 महीना नौकरी का हुआ था, हमको रेवेन्यू अफसर रह चुके, रेवेन्यू में बहुत झंझट है, हमको उसने फोन किया कि बाबूजी बड़ा चक्कर भाग गए की भर, हमारा वीडियो से होता आदेश भाग गया की करिए, हम कहते